एक बार की बात है, एक बड़े जंगल में तीन दोस्त रहते थे, एक कौवा, एक चूहा और एक कछुआ। उन्होंने अपने अधिकांश समय एक साथ ही बिताया। वह एक साथ खाते, खेलते और एक साथ सोते। एक दिन वे एक झील के पास बातें कर रहे थे, तभी एक हिरन उनके पास आया। जंगल में पहली बार हिरन को देखकर कछुए ने पूछा, तुम यहाँ नए लग रहे हो, हमने तुम्हें पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा। हाँ, हिरन ने उत्तर दिया, मैं पास के जंगल में रहता हूँ, लेकिन वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं दोस्तों की तलाश में इस जंगल में आ गया। क्या तुम सब मेरे दोस्त बनोगे? हाँ बिल्कुल, तीनों मित्र खुशी से उछल पड़े। थोड़े ही समय में चारों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक शिकारी को जंगल की ओर आते हुए देखा। अरे नहीं, कौवे ने कहा, अब क्या करेंगे, शिकारी हमारी ओर ही आ रहा है। जैसे ही उन्होंने शिकारी को अपने पास आते देखा, वे अपनी जान बचाकर भाग गए। कौवा ऊंचा उड़कर पास के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर बैठ गया। हिरन बहुत तेजी से भागा और झाड़ियों में छिप गया। चूहा पास के एक छोटे से बिल में फिसल गया। हालांकि बेचारा कछुआ इनमें से कुछ भी नहीं कर सका, वह धीरे धीरे भाग रहा था। तभी शिकारी ने उसे देख लिया और अपनी बोरी में डाल लिया। हालांकि शिकारी निराश था कि वह एक बड़े जानवर को नहीं पकड़ सका। वह खुश था कि उसने कम से कम एक कछुआ तो पकड़ा है। जैसे ही शिकारी कछुए को लेकर चला गया, तीनों दोस्त अपने छिपने के स्थान से वापस एक जगह मिल गए। वह हमारे दोस्त को ले गया, कौवे ने कहा, हमें उसे बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। कुछ मिनटों तक सोचने के बाद हिरन चिल्लाया, मेरे पास योजना है। उन्होंने अपनी योजना अपने दोस्तों के साथ साझा की, जो इसे लागू करने के लिए तुरंत सहमत हो गए। कौवा तेजी से शिकारी का पता लगाने के लिए उड़ गया और हिरन शिकारी के पीछे चला गया। कुछ देर बाद उसने शिकारी को हाथ में बोरी लिए हुए देखा। कौवे ने हिरन को इशारा किया और वह तेजी से दूसरे रास्ते से शिकारी के पास पहुंच गया। कुछ दूरी पर वह मरने का नाटक करके रास्ते में थोड़ी दूर पर लेट गया। जब शिकारी ने हिरन को देखा तो उसने, वाह, मुझे तो हिरन मिल गया, शायद वह मर गया होगा। और उसने बोरी वही छोड़ दी और हिरन को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ा। इसी बीच चूहा उस जगह पहुंच गया जहां बोरी रखी हुई थी और उसने झट से बोरी को अपने दांतों से फाड़ दिया और कछुए को आजाद किया। चूहे और कछुए के जाने के बाद तुरंत कौवे ने हिरन को उठने का इशारा किया। हिरन को संकेत मिलते ही वह अचानक उठा और घने जंगल में जा घुसा। शिकारी अचंभित रह गया कि यह क्या हो रहा है। वह हिरन को खोने से बहुत ही दुखी हुआ और भारी मन से उस स्थान पर लौट गया जहां उसने कछुए वाली बोरी छोड़ दी थी। वापस लौटने पर उसने बोरा खाली पाया और कछुआ वहां नहीं था। उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था और खाली हाथ वह जंगल से लौट गया। शिकारी के जाने के बाद दोस्तों ने राहत की सांस ली और कछुए ने उसे बचाने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद दिया। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एकता में ताकत होती है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हिंदी किडो फैंसी टीवी को सब्सक्राइब करें।